थम्सअप में जहर मिलाकर सुरेश जोशी की हत्या करने वाली घटना का प्रमुख आरोपी, इस घटना के मास्टरमाइंड प्रकाश गोलछा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश जोशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड फरार आरोपी प्रकाश गोलछा को थाना कोतवाली पुलिस से साइबर सेल एवं रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर गोंदिया महाराष्ट्र से पकड़ लिया है। प्रकाश ने षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर एक व्यापारी को ब्लैकमेल करने के नियत से नौकर की हत्या की थी। आरोपी प्रकाश गोलछा को हत्या में सहयोग करने वाले चार आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी प्रकाश गोलछा से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, मोबाइल एवं मृतक का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपियों ने सुरेश जोशी को थम्सअप में जहर मिलाकर पिलाया था। नाला के पास सुरेश जोशी की डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, जिसपे मर्द जांच करते हुए हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 25/11 को हम लोगों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जो ये लोग की प्लानिंग थी प्रकाश गोलछा के साथ मिलकर, जो सुरेश जोशी है उनकी हत्या करके उस हत्या को आत्महत्या दिखाते हुए हैंड रिटन नोट प्लान किया, जिसमें ज्ञानचंद बाफना के विरुद्ध और उनके परिवार के विरुद्ध लिखा गया था कि उसकी उनकी वजह से उसने आत्महत्या करी है। इनका पूरा जो मास्टर प्लान था वो एक्सटॉर्शन का था कि उनको बदनाम भी करेंगे, साथ में उनसे पैसे भी वसूलेंगे। इसी कड़ी में एक सबसे जो मेन मास्टरमाइंड था प्रकाश गोलछा, उसको पुलिस ने आज गिरफ्तार करके विधिवत रिमांड पर भेज रहे हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी साइबर टीम और थाना कोतवाली की खासकर कार्रवाई इसमें हुई है। इनमें जो इन अभी तक पता लगा है, जो प्रकाश गोलछा है, प्रकाश गोलछा का बहुत पुराना विवाद पैसे को लेके और सामाजिक तौर पर ज्ञानचंद बाफना के साथ रहा है। DPS और IPS स्कूल में पार्टनरशिप को लेके उसको निकाल दिया गया था, उसकी ईर्ष्या और उसका उसको लगता है कि उसको उनसे पैसा मिलना चाहिए था जो नहीं मिला है। साथ ही क्योंकि सामाजिक तौर पे जैन समाज से उसको बहिष्कृत किया गया था, तो उसका भी उसके मन में द्वेष था। इन्हीं वजहों को लेके शायद उसने इतनी बड़ी घटना को कारित किया ताकि उसको बदनाम भी कर सके और उनसे पैसे भी वसूल सके। इसके पास से घटना में इस्तेमाल हुई स्विफ्ट कार, जो प्रकाश गोलछा की कार है, वो जब्त हुई है। साथ में उनका खुद का मोबाइल, मृतक का मोबाइल और हैंड रिटन नोट्स, इसकी फोटोकॉपी उन्होंने एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ करनी शुरू की थी, वो और बाकी हैंड रिटन नोट्स भी उसमें मिले हैं। विवेचना जारी है और अगर कोई और इसमें गतिविधि होगी तो आपको बताया जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।